प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा। चरण स्पर्श। खूब खुश है बेटा। गुरुदेव मेरा नाम राखी और मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ, सिडनी से। गुरु जी पहले तो आपको थैंक यू, आपने जो वीडियो कॉलिंग पे मेरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई थी वो जॉब मुझे मिल गई है। खुश रहो बेटा। खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच। और मैं अपने डीएनए में। आई हो तुम्हारी सिस्टर? नहीं, मैं अपने डीएनए में अकेली हूँ। हाँ पता है बेटा जी। नहीं वो नहीं आया, मेरे भाई आया। भाई बस ये आया है। हाँ जी। दिखा नहीं आज, वो घूम रहा होगा दादा। खुश रहिए। खूब खुश रहिए। अभी तक आपको मेरी तो इतनी तबीयत खराब थी, बहुत ही छोटी सी बात है गुरुजी। थैंक यू बेटा। आप सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, बाबा माँ कृपा तो हमेशा रहती है जी। गुरुजी एक बार आंखें बेटा बंद करेंगे। ओम। इस बच्ची का आत्मविश्वास और बढ़ाया जाए और भय हटा दिया जाए। ओम। उठ जाए प्रहार वनडे वाले। ओम। और आत्मविश्वास बढ़ा दिया जाए बच्ची का, और बढ़ाया जाए आत्मविश्वास। और जहाँ रहती हैं वहाँ विदेश में, वहाँ के लोगों से इनके अंदर एक भय बना रहता है, वो भय नष्ट कर दिया जाए। शू नष्ट करके उसे गांव खिला दिया जाए, पूरी तरह अभय दिया जाए, निर्भय किया जाए। ओम। गैस चूल्हे से, गैस से जो इनको भय और पानी से भय लगता है, वो स्मृतियाँ इनकी नष्ट की जाए। ओम शिव। ये सब स्मृतियाँ नष्ट करके इससे गांव खिला दी जाएंगी, स्वयं की स्मृतियाँ बैलेंस अभय प्रदान किया जाए। गैस चूल्हे से भी और जल से भी अभय प्रदान किया जाए। ओम। पांच बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चेहरे में और सुंदरता प्रदान कीजिए। ओम नमः शिवाय। और चेहरे में सुंदरता प्रदान कीजिए, खोई हुई सुंदरता शुद्ध करके वापस लाई जा सके और इनको वापस दी जाए चेहरे। ओम शिव। पांच बार फिर बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। 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 बैलेंस। आँख खोलिए, अपना बंधन खींचो पांच बार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जी गुरुजी मुझे ना डर बहुत लगता है, अभी जो आप बोल रहे थे ना मुझे गैस है, आजकल मुझे इतना डर लगने लगा है जब से ये मेरी एज का हुआ था ना, सूक्ष्म शरीर बढ़ गया था कि मुझे ना हर चीज से इतना डर लगता है घर से बाहर निकलने में। हाँ बेटा, दूसरा ये कभी कोई तुम्हें शमशान घाट दिखे, शमशान दिखे जी गुरुजी, तो उसको प्रणाम करना है, डरना नहीं है। भय लगता है? बहुत डर लगता है मुझे। इस धरती पे और सूक्ष्म जगत में भी शमशान जो है ना, इससे पवित्र कोई स्थान नहीं है जी गुरुजी। है ना जी गुरुजी। स्वयं शिव का जो है ना, भोलेनाथ का साक्षात निवास है सामने जी, एकदम पवित्र स्थान है। ठीक है जी गुरुजी। आपको कहीं भय तो नहीं लग रहा किसी से? नहीं गुरुजी, मुझे ना एक और चीज़ से डर लगता है, जैसे ये चिड़िया विड़िया, कबूतर है, आप देखो आँख बंद, कुत्ता, इन सबसे इतना डर लगता है मुझे। देखिए चेक करिए, कल्पना करिए, चिड़िया कुत्ता सब सामने बैठे हैं, खेल रहे हैं, कोई भय लग रहा है? ना अभी तो नहीं लग रहा। सब हटा दिया गया बेटा, सारे अब आपको अभय दिया गया है। आपके सामने आते ही गुरुजी सब कुछ वैसे ही चला जाता है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, आपके सामने आई और कुछ पूरा ना हुआ गुरुजी। खूब खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न हो। गुरुजी जो आपने मेरा जॉब मेरा हुआ है, मुझे पता नहीं उसको लेके ऐसा अंदर से लग रहा है, पता नहीं मैं उसे करूं कि नहीं करूं जॉब को। अभी आपका आत्मविश्वास दरबार ने इसीलिए बढ़ाया है, अब आप चेक करो करना है कि नहीं करना, ये बताओ। अब तो ठीक लग रहा है गुरुजी, इसीलिए आपका आत्मविश्वास बढ़ाया था जी गुरुजी। एक और बात है, सॉरी गुरुजी, बस एक बात और, जो गुरुजी मैं जब माला जाप मैंने करना शुरू किया ऑस्ट्रेलिया में ही अपना, तो मुझे ना बहुत गंदी गंदे से बातें और वो सब आने लग गए, इतना आने लग गया। आती नहीं बेटा, गंदी आती नहीं है, जो अंदर रहती है स्मृति में वो सब बाहर निकल के डिस्ट्रॉय होती जाती है, सारे भोग सारे सोचे गए गलत चीजें वो सब निकलती हैं, डिस्ट्रॉय होती जाती हैं, आपको लगता है कि आ रही हैं, आने नहीं होती हैं, वो जा रही होती हैं। तो चाहे सामने कोई चीज़ आ रही हो चाहे जा रही हो, दिखाई दोनों देती है, एक सी है ना।
सब गंदगी चली गई। तो मैं वो करूं गुरुजी कंटिन्यू? खूब करना चाहिए। इतना गंदी गंदी गाली आने लगे, बहुत ही पता अजीब सा लगता है। अच्छा चलो करो, तुम आंख बंद करो और जाप करो। आंखें खोलो बेटा, दरबार से दीक्षा नहीं ली? ली है, पर मैं अपना मंत्र याद नहीं है मुझे। हाँ इसीलिए दिक्कत हो रही। अभी मुझे याद नहीं है। तुम कुछ और देखने लगते? पर मुझे याद नहीं आ रहा था तो मैं बस... अब दरबार का दिया गया जो मंत्र है आप करोगे जी गुरु, कोई दिक्कत नहीं। खुश हो बेटा, खूब खुश हो बेटा, प्रसन्न हो, तभी तो इसीलिए याद नहीं।